नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रांड रिपोर्टर की तरफ से, पूरा देश आज आक्रोश है, सारे हॉस्पिटल फुल हैं, मरीजों की लाइन लगी हुई है, एक कोरोना ने चारों तरफ घेर रखा है। कल तक हम बात करते थे कि हम दुनिया में नंबर वन हैं, और कहाँ दुनिया में नंबर वन, हम खुद अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। इंजेक्शन रेडिस्कवर इंजेक्शन जिसकी कीमत 890 रुपये है, बाज़ार में 10,000 से 40,000 रुपये में एक इंजेक्शन बिक रहा है, ब्लैक में। ब्लैक वाले को मार्केट कैसे मिल गया, माल कैसे मिल जाता है, एक आम आदमी को नहीं मिल पाता। बाज़ार से ऑक्सीजन गायब, बाज़ार से बेड गायब, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, क्या होगा देश का। एक छोटी सी विनती, जब तक आंसू में डूबा मेरा आक्रोश मेरे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता, तब तक मेरे सभी साथी रिपोर्टिंग मेरी जरूर सुने, जरूर देखें। मोदी जी ये मन घायल है और आत्मा आहत है, इसलिए मन की दो टूक बातें कहूँ, दिल ये चाहता सुन ले, सुन लीजिए। पिछले कुछ दिन ये आंखें कितना रोई है, 56 इंच सीना लेकर हर गली में लाशें देखी है, चीख घुटन पीड़ा क्रंदन माहौल यही चहू और मिला है। बीती है सिसके में रातें, मातम करता भोर मिला, बतलाओ मैं ऐसे कैसे रैली एक राजा को सुहाती है, कैसे ये चुनाव की भाषा उस राजा को रास आ जाती है। क्या जनता की पीड़ा अब तक राजा को नहीं दिखाई दी, क्या अनाथ बच्चों की चीखें उनको नहीं सुनाई दी। एक महाराजा था जो अंधा था, पुत्र प्रेम में याद आया, राजा ऐसा ही धृतराष्ट्र लग रहा था, गूंगा बहरा भी, जो जनता उन पर अपना ये दिल निछावर कर बैठी, वो अपने आंसुओं से अपना दामन तय कर बैठी। बिन जल मछली जैसा तट पे, दिखता नहीं किनारा है, मारी भटक रही है, मिलता नहीं सहारा। स्वास्थ्य व्यवस्था वाली हर पद्धति टूटी फूटी है, सच यह है कि कितनों की जीवन डोर इसी से टूटी है। मृत्यु नहीं थी फिर भी मरते लोग दिखे लाचारों में, चले गए सो चले गए, अब बाकी है तैयारी में। क्यों लगता है उस राजा को अपनी ही जनता की फिक्र नहीं, इतनी बड़ी आपदा का एक भी रैली में जिक्र नहीं। हो सकता है इतिहास लिखे कल, राजा यह भी बाजी जीत गया, पर हकीकत यह है राजा दिल की बाजी हार गया। बंगाल जीत गया तो क्या हुआ, भारत के लोगों का दिल हार गया। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, थैंक यू। कुछ करिए प्रधानमंत्री जी, कुछ करिए।